डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के फोर्थ प्रॉपर्टी में हमें बोला गया है सो दैट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन द राइट एट एवरी पॉइंट। राइट हैंड साइड पे हर एक पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये हमें शो करना है। दैट इज हमें प्रूव करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए या फिर एफ ऑफ ए प्लस जीरो इज इक्वल टू एफ ए। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले लिख सकते हैं लेट ए एन डिनोट द इवेंट। ए एन हमारे पास एक इवेंट है जो कि डिनोट करता है द इवेंट ए लेस देन रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए प्लस वन बाई एन फॉर एन इक्वल्स टू वन टू थ्री एंड सो वन, जहां पर होयर होयर ए इज ए फिक्स्ड पॉइंट। ए कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है, इज ए फिक्स्ड पॉइंट। इसको अगर हम फिगर में ड्रॉ करें तो दैट इज आवर रियल लाइन नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यहाँ पर ए कोई एक पॉइंट है एंड दूसरा पॉइंट है ए प्लस वन बाई एन। ओके देन हम बोल सकते हैं देन द सीक्वेंस ए एन इज ए कॉन्ट्रैक्टिंग सीक्वेंस, इज ए कॉन्ट्रैक्टिंग सीक्वेंस एंड हमें मिलेगा लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी पर ए एन का वैल्यू इज इक्वल्स टू जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर एन टेंड टू इन्फिनिटी पर वन बाई एन का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो हमें मिलेगा ए इज लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए प्लस जीरो। तो यहाँ पर लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी पर ए एन का वैल्यू इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। हमने इससे पहले वाले प्रॉपर्टी में जब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट को डिसकॉन्टिन्यूअस शो किया था तो वहां पर हमारे पास जो इवेंट था वो था ए माइनस वन बाई एन इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू ए। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू ए के साथ इक्वल भी हो सकता था। तो अभी एन टेंड टू इन्फिनिटी पर हमें जो इवेंट मिला था वो था ए माइनस जीरो इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू ए। तो हमने लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी पर ए एन को इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए लिख दिया था, क्योंकि यहाँ पर एक्स का वैल्यू ए के साथ इक्वल हो सकता है। लेकिन राइट हैंड साइड लिमिट के लिए हमारे पास जो इवेंट है वो है ए लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए प्लस वन बाई एन। यहाँ पर ए का वैल्यू हमेशा एक से छोटा है, कभी एक्स के साथ इक्वल नहीं हो सकता। इसलिए एन टेंड टू इन्फिनिटी पर जब हमें ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू ए प्लस जीरो मिलता है तो यहाँ पर लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी पर ए एन का वैल्यू हमेशा जीरो होगा, जो कि एक इम्पॉसिबल इवेंट है। तो यहाँ पर लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी पर ए एन इज इक्वल टू जीरो व्हिच इज ए इम्पॉसिबल इवेंट व्हिच इज एन इम्पॉसिबल पॉसिबल इवेंट। ओके देन हम बोल सकते हैं अगर हम बोथ साइड प्रोबेबिलिटी ले लें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो दैट इज इक्वल्स टू जीरो। इसको हम इक्वेशन नंबर वन ले लेते हैं। ओके अगेन हम बोल सकते हैं द इवेंट्स माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए, मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर ए तक का जो रीजन है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू ए इस रीजन एंड द इवेंट ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए प्लस वन बाई एन, मतलब कि ए से लेकर ए प्लस वन बाई एन तक रीजन। ओके ए से लेकर ए प्लस वन बाई एन तक का जो रीजन है बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। ओके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन एज यूजुअल हम बोल सकते हैं देयरफॉर माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए प्लस ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए प्लस वन बाई एन इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए प्लस वन बाई एन, मतलब कि हमें माइनस इन्फिनिटी से लेकर ए प्लस वन बाई एन तक का रीजन मिलेगा। अभी अगर हम बोथ साइड प्रोबेबिलिटी ले लें तो हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए प्लस वन बाई एन इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए प्लस वन बाई एन। यहाँ पर ए दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो हम प्रोबेबिलिटी को ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं। ओके और यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए प्लस वन बाई एन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस वन बाई एन, ठीक है। और यहाँ से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए प्लस वन बाई एन इज इक्वल्स टू मिलेगा एफ ऑफ ए प्लस वन बाई एन माइनस एफ ऑफ ए। सो बाय टेकिंग लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए प्लस वन बाई ए इक्वल्स टू लिख सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस जीरो माइनस एफ ऑफ ए, क्योंकि ए इंटीग्रेट टू इन्फिनिटी पर वन बाई एन का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो हमें एफ ऑफ ए प्लस जीरो माइनस एफ ऑफ ए मिलेगा। अभी इसको हम इक्वेशन नंबर टू दे देते हैं। तो हमारे पास ए दोनों इक्वेशन है, यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए प्लस वन बाई एन को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन लिख सकते हैं। तो अभी वी नो दैट हमें पता है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन, ये हमने पहले ही प्रूव किया है ओके सीक्वेंस ऑफ ट्रायल्स में। देन हम बोल सकते हैं बाय द इक्वेशन वन एंड टू वी गेट एफ ऑफ ए प्लस जीरो माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। अभी यहां से हमें मिलेगा एफ ऑफ ए प्लस जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, दैट इज हम लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस जीरो पर लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए ओके। दिस इंप्लाइज हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट द राइट हैंड साइड एट ऑल द पॉइंट्स। तो हर एक पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन राइट हैंड साइड पर कॉन्टिन्यूअस है, ये हमने प्रूव कर दिया है ओके।